दिस इज नेशनल वेलकम बैक टू सूर्य आचार्य एकेडमी। मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अवर 10th क्रॉसबो। इससे पहले मैं 9 क्रॉसबोस का वीडियोस बना चुका हूँ, लाइक शूटिंग, अनबॉक्सिंग एंड एक्सेसरीज कैसे जोड़ना है, लाइक फिटिंग असेंबलिंग का भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे करीब से भी मैं आपको बता दूँ। सो दिस इज अवर न्यू क्रॉसबो, ईके आर्चरी रिसर्च से लिया गया है। एंड प्रोडक्ट का कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड वहां पे आपको प्राइस पे बता दूंगा क्या प्राइस का है। एंड अगर आप ये खरीदना चाहते हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप वहां पे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लेके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड आई अगेन से डोंट कॉल मी, जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल सेंड यू ऑल द पिक्चर्स एंड ऑल द प्राइसेस ऑफ क्रॉसबोस। तो चलो अनबॉक्सिंग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बॉक्स पे पिक्चर देख सकते हैं एंड इट लुक्स लाइक दिस। ब्लेड प्लस है एंड 340 FPS का स्पीड है, 175 LBS का ड्रॉ वेट है एंड पावर स्ट्रोक इज लाइक 12.5 inch एंड एक्सिल टू एक्सिल 17 अनकॉक्ड एंड 14 कॉक्ड। और यहाँ पे वेट आप देख सकते हो 6.7 LBS का है, लेंथ है 33.5 to 36 inches। तो ये है कम्प्लीटली कैमो का है, कलर यहाँ पे आप देख सकते हो एंड दिस वाज द बॉक्स। एंड पीछे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाइक थोड़ा सा डैमेज है एंड यहाँ पे आपको पकड़ने का ग्रिप दे चुका है। तो चलो ओपन कर लेते हैं यहाँ से। एंड वाव, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वी गॉट ए सेफ्टी गॉगल, तो इसे साइड कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट मेन स्टॉक है, लिम्स, स्प्लिट लिम्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड वी गॉट लिम डैम्पर एंड आल्सो स्ट्रिंग डैम्पर, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग डैम्पर भी है। एंड स्ट्रिंग का कलर है येलो एंड ब्लैक एंड आपको स्ट्रिंग का भी डैम्पर दे चुका है एंड इट्स वेरी नाइस। सो इसे पहले ब्लेड आ चुका था, लाइक ये ब्लेड प्लस है, उसमें ये नहीं था, जो भी स्ट्रिंग डैम्पर्स है ये चीज़ नहीं था, तो इसमें ये एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं। एंड यहाँ पे आपको डैम्पर्स भी बहुत अच्छा है जो कि बहुत साइलेंटली शूट करता है एंड आई थिंक सो इसे शूट करने के बाद पता चलेगा कैसा शूट करता है एंड वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो वही होगा। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हो दिस इज़ द क्वाइवर एंड सॉरी फॉर दैट शेड्स, पीछे शेड्स बता रहे ओके। तो कैमरामैन नहीं है अपने साथ, अकेला बनाना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द मेन स्टॉक की हेयर एंड मेन स्टॉक बहुत बढ़िया है, कंप्लीट कैमो कलर एंड करीब से भी मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज़ द कैमो थिंग एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एम्बोस करके आ चुका है ब्लेड बोल के। एंड आई थिंक दिस इज़ द स्कोप वन, आई ट्राइड वंस टू ओपन दिस विथ सिंगल हैंड, तो ये नहीं निकल रहा है, बहुत मुश्किल होता है एक हाथ से निकालना, फिर भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। एंड सेम पिछले जो भी आप क्रॉसबोस देख चुके हो उसमें जो भी स्कोप था वही स्कोप है ये भी एंड देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रोप कॉकिंग डिवाइस है एंड इसके साथ कैसे इसे इस्तेमाल करना, करेक्ट इनकरेक्ट पोजीशन दे चुके हैं राइट। सो उसके बाद में हम चलते हैं बोल्ट्स। सो अल्यूमिनियम बोल्ट्स है, दिस आर नॉट कार्बन, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड जो भी क्रॉसबो खरीदते हैं वो क्रॉसबो के मैक्सिमम ट्राई टू बाई कार्बन बोल्ट्स एंड कार्बन बोल्ट्स बहुत अच्छा काम करेगा एंड एक्यूरेसी में भी वो अच्छा है। चलो इसे भी साइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है वी गॉट फुटरेस्ट एंड इसमें ही आपको बहुत सारे स्क्रूज है, लाइक 3 स्क्रूज है एंड एक पैड है, स्ट्रिंग सेपरेटिंग केबल गार्ड है और वैक्स है। तो ये था और यहाँ पे आप देख सकते हो मेन स्टॉक कम्प्लीटली कैमो एंड ब्लैक कलर फिनिश में है। और इसका असेंबली वीडियो भी मैं ट्राई करता हूँ इसी में बताने का एंड मैक्सिमम सेम होता है, जो भी पीछे के लाइक 9 क्रॉसबोस मैंने कैसे असेंबल किया था वही मॉडल है। आप अगर चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो भी वीडियोस देख सकते हो। सो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द थिंग्स, मैंने सब कुछ बाहर रख चुका हूँ। एंड यहाँ पे एक क्वाइवर है, आई थिंक दिस इज साइड माउंट एंड आल्सो सेंटर माउंट है एंड यहाँ पे स्टॉक है, फुटरेस्ट है सॉरी। एंड दिस थिंग इज़ अवर लिम्स एंड ये स्प्लिट लिम्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो एंड वी कैन आल्सो सी ब्लेड ईके आर्चरी रिसर्च, जो कि ब्रांड का नाम है ईके आर्चरी रिसर्च एंड ब्लेड इज़ द मॉडल एंड दिस इज़ ब्लेड प्लस।
सो इसे पहले ब्लेड आ चुका था, उसमें ये नहीं था बस, एंड ब्लेड प्लस में ये ऐड करके आ चुका है जो कि स्ट्रिंग डैम्पर्स है। आपको बहुत यूज़ होते हैं, साउंड बहुत कम आता है जब आप शूट करोगे तब, एंड दीज आर द थिंग्स एंड आई सेड अबाउट दिस आई थिंक। सो रोप कॉर्किंग डिवाइस है, RCD बोल के भी बोल सकते हैं। तो चलो असेंबल करते हैं इसके बाद में। सो आफ्टर फिक्सिंग लिम्स वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इट्स वेरी ब्यूटीफुल राइट। तो नेक्स्ट अपन स्क्रूज फिट करना है एंड उसके बाद में स्कोप फिक्स कर लेते हैं। सो वन स्क्रू हैव टू बी फिक्स्ड हियर, एंड यहाँ पे दो स्क्रूज फिक्स करना होता है, यहाँ पे एक और नीचे एक। सो ये थ्री स्क्रूज आपको स्टॉक एंड लिम्स को जोड़ता है। द लास्ट स्क्रू वी आर फिक्सिंग बहुत ईजी है, इसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना भी चुका हूँ, लाइक 9 क्रॉसबोस के भी पूरे सेटअप का वीडियो है, आप देख सकते हो। सो करीब से भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो कंप्लीटली हो चुका है एंड वी आर डूइंग इट। ओके, एलन किस का सेट होना बहुत ज़रूरी है एंड आई रिकमेंड दिस वन। करीब आई एम यूजिंग सिंस 2014 एंड बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी। एंड अनदर थिंग आई हैव द स्टार एलन की एंड यू ऑल आई ऑल्सो सजेस्ट टू यूज़ दैट। सो ये हो गया एंड नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फिक्स इज अवर स्कोप। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोप भी माउंट हो चुका है एंड इट इज़ वेरी सिंपल, नो नीड टू वरी अबाउट स्कोप माउंटिंग। एंड नेक्स्ट अपना ये है, वी हैव टू माउंट अवर क्वाइवर, 3 एरो क्वाइवर है, तो लेट्स बिगिन इट। क्वाइवर भी अपन माउंट कर चुके हैं एंड फुट रेस्ट ऑल्सो माउंटेड, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड ये था। सो अभी अपन बोल्ट्स लगाना है एंड ये लगा के मैं आपको कंप्लीट बो का व्यू बताऊंगा कैसे होगा। एंड आफ्टर असेंबली कुछ ऐसे दिखेगा बो, यहाँ पे आप मेरे हाथ में देख सकते हो एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यू नो कैमो कलर में है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका स्कोप के बारे में भी मैं आपको और एक वीडियो बना के बताऊंगा कैसे स्कोप को जीरो करना है। आई वॉज ट्राइंग टू डू सो, करने के लिए बहुत कोशिश किया मैंने पर नहीं कर चुका हूँ, बहुत सारा बिजी था शेड्यूल। एंड कल इसका शूटिंग वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद में विल मेक क्रॉसबो वर्सेस कंपाउंड वीडियो, कौन सा बेस्ट है क्रॉसबो या कंपाउंड बो हंटिंग के लिए। एंड ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय। एंड वेट ए सेकेंड, डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, थैंक यू। एंड फाइनली इसका ओवरव्यू आप देख लेना, मैं यहाँ पे रख के आपको कंप्लीट ओवरव्यू भी बता देता हूँ।